a product-oriented layout uh, is usually uh, organized around a single product or a family of that product. Uh, for example, a uh, family uh, of a product, uh, let's consider uh, lead-acid battery. a car uh, may use hoti hai. Ab is a product, hai, uh, car battery. और ये फैमिली ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि जी देयर इज ट्वेंटी सिक्स एमपेयर आर्स की बैटरी थर्टी एम्पियर आर्स की बैटरी फोर्टी एमपेयर आवर्स की बैटरी एंड सोन टू हंड्रेड एम्पियर आर्स की बैटरी एक ही असेंबली लाइन के ऊपर प्रोड्यूस हो सकती है सो दिस इज बेसिकली अ फैमिली ऑफ कार बैटरीज जिसके अंदर फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स एमपेयर आर्स टू टू हंड्रेड एम्पियर आर्स की बैटरी प्रोड्यूस uh, की जाती है सो so, uh, जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट है वो uh, एक प्रोडक्ट की या उसकी सिमिलर फैमिली ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है जो कि हाई वॉल्यूम और लो वैरायटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एक ख़ास किस्म का ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है जैसे कार बैटरी uh, है अब कार बैटरी के प्रोडक्शन के लिए यू नीड ए ऑफ इक्विपमेंट जो कि जिस सीक्वेंस में इसने मूव करना है तो उस सीक्वेंस में उसको प्लेस किया जाता है इसकी वजह से इसके अलावा इस लेआउट में और कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता ये जो लेआउट है आ, इसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली है कि जो वॉल्यूम है प्रोडक्ट का वो हाई इनफ हो कि आपका एक आ, आ, कैपिटल इंटेंसिव स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो है वो हम uh, उसको लगा सकें और इसके अंदर क्योंकि ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है तो इसके लिए जो इसकी फिक्स कॉस्ट है जैसे कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट है वो स्प्रेड आउट किया जाए लार्ज नंबर पर तो दैट एक ऑफ स्केल अचीव किया जा सके जिससे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो सके तो उस बेसिस के ऊपर वॉल्यूम uh, हाई होना चाहिए उससे इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन हाई होगी क्योंकि वो आप कंटिनसली उसको प्रोड्यूस कर सकेंगे प्रोडक्ट को और इक्विपमेंट uh, यूटिलाइज होगा अगर वॉल्यूम uh, स्मॉल है तो इसके अंदर लड़ से दो घंटे के बाद लाइन uh, बंद करनी पड़ेगी तो यूटिलाइजेशन बहुत लेस हो जाएगी uh, इसके प्रोडक्ट की डिमांड स्टेबल होनी चाहिए इसके अंदर ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि उसके अंदर यूटिलाइजेशन uh, और इसका प्रॉब्लम होगी ये फ्लैक्सीबल लेआउट नहीं है तो इसके लिए स्टेबल डिमांड uh, होनी चाहिए और हाई डिमांड होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर हाईली कैपिटल इंटेंसिव इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड Uh, उसके अंदर ये एक किस्म का लाइफ uh, साइकिल जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसके अंदर मेच्योरिटी स्टेज के अंदर एंटर कर किया होता है ग्रोथ स्टेज के अंदर क्योंकि ग्रो हो रहा होता है तो यूजली इस किस्म का लेआउट उधर यूज़ नहीं किया जाता अनलेस एंड अनटिल डिमांड बहुत हाई हो अदरवाइज़ एक बार स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन जाए तो फिर उसके अंदर uh, ये लेआउट यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके अंदर फिर चेंजेस वगैरह नहीं करनी पड़ती इक्विपमेंट और उनकी राउटिंग के अंदर आ, ये इसके अंदर जो सप्लाइज ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स वगैरह जो यूज़ होते हैं वो एडुकेट uh, हो क्वालिटी उसकी बिल्कुल ठीक हो उसके अंदर ये ना हो कि डिफेक्टिव भी बहुत आ रहे हैं तो उसकी वजह से मटेरियल uh, और कंपोनेंट्स uh, uh, के अंदर कोई प्रॉब्लम uh, आ जाए नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट वन इज़ फैब्रिकेशन लाइन ठीक है इसके अंदर हम कंपोनेंट्स uh, प्रोड्यूस करते हैं ऑन ए सीरीज ऑफ मशीन इसको प्रोडक्शन लाइन भी कहते हैं फैब्रिकेशन लाइन कहते हैं और इसके अंदर मशीन पेस्ट होता है ये uh, जो लेआउट है और इसके अंदर अगर हम कोई चेंजेस uh, करना चाहते हैं बैलेंस करने के लिए तो वो इंजीनियरिंग और मैकेनिकल चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है दूसरा टाइप है दैट इज असेंबली लाइन असेंबली लाइन के अंदर फेब्रिकेटेड uh, जो पार्ट्स हैं उनको हम कंबाइन करके असम्बल करते हैं इन टू एंड प्रोडक्ट ऑन ए सीरीज ऑफ वर्क स्टेशन और ये जो uh, इसका जो पेस है वो डिपेंड uh, करता है वर्क टास्क के ऊपर कि कौन से टास्क किस वर्क स्टेशन के अंदर और उसके कितना टाइम रिक्वायर होता है और uh, बैलेंस किया जाता है टास्क को मूव कर के वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन के अंदर हम टास्क को शिफ्ट कर दें तो उससे लाइन बैलेंस हो जाती है आ, इसके एडवांटेजेस आर इस टाइप ऑफ लेआउट के के वेरिएबल कॉस्ट लो होती है इसके अंदर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लो होती है क्योंकि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मटीरियल ये असम्बली लाइन के अंदर मूव कर रहा होता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बहुत कम होती है ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रही होती है रिपीटेटिव टाइप ट्रेनिंग और सुपरविजन इजी होती है क्योंकि वो जो वर्कर है और ये वर्क फोर्स जो है वो बार बार सेम टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर रही होती है तो उसकी वजह से उनकी लर्निंग जल्दी हो जाती है और इम्प्रूव जल्दी करती है और इसका जो थ्रूपुट है वो अच्छा खासा रैपिड होता है कंपेयर टू प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट के डिसएडवांटेजेस में बेसिकली हाई वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इसके वॉल्यूम अगर हाई नहीं होगी तो इट इज़ नॉट फीजबल टू हैव दिस लेआउट अब इसका दूसरे प्रॉब्लम यह है कि अगर एक भी वर्क स्टेशन के पर स्टॉपेज हो जाए काम का तो पूरी लाइन शट डाउन हो जाती है तो ये एक और है बा बाकी दूसरे प्रोसेस लेआउट के अंदर वो चलता रहता है प्रोडक्शन होती रहती है लेकिन प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट के अंदर एक भी स्टेशन के अंदर वर्क रुकेगा तो सारी लाइन रुक जाएगी और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती आप एक जैसा ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं इस लाइन के ऊपर अच्छा असम्बली लाइन बैलेंसिंग अब हमारा जो है वी आर नॉट गोइंग टू

लोड uh, उनके ऊपर लेवल का हो विच इज़ नॉट पॉसिबल उसकी कई कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से हम एक जैसे ही वर्क लोड हर वर्क स्टेशन पर नहीं uh, ला सकते लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि इसको मिनिमाइज करें जो डिफरेंस है सो so दैट ये ना हो कि एक वर्क स्टेशन के अंदर जो ऑपरेटर uh, है वो लेट्स से फुल टाइम काम कर रहा और दूसरे वर्क स्टेशन के अंदर वो लेस देन हाफ द टाइम द ऑपरेटर इज़ बिजी तो वो उसको अवॉइड करना है uh, उसकी वजह से मोटिवेशन लेवल भी प्रॉब्लम uh, हो सकती है uh, इसके अंदर जब जो ये इसको बैलेंस करने का जो हम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ यूजिंग प्रेसिडेंस रिलेशनशिप प्रेसिडेंस रिलेशनशिप क्या है कि एक टास्क है वो दूसरे टास्क से पहले परफॉर्म नहीं हो सकता तो देट इज़ अ प्रेसिडेंस रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल हम कार का टायर चेंज कर रहे हैं तो कार का टायर चेंज करने के लिए हम ये नहीं कर सकते कि जी व्हील को पहले रिमूव करें और नट्स को बाद में हम लूज करें यह एक सीक्वेंस में जाएगा पहले नट्स लूज किए जाएंगे फिर व्हील निकाला जा सकता है तो दैट इज प्रेसिडेंस रिलेशनशिप बिटवीन द टू टास्क वन टास्क इज रिमूविंग द नट्स द अदर टास्क इज रिमूविंग द व्हील तो इस किस्म का दिस इज एन एग्जाम्पल के जी प्रेसिडेंट रिलेशनशिप हर उसके अंदर असम्बली लाइन के अंदर आपके मौजूद होती है वह well, बैलेंस हम लाइन करते हैं बाय असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क टू वर्क स्टेशन तो हम उसको इतना करते हैं कि वो जो सारे वर्क स्टेशन के तकरीबन क्लोज हो एक दूसरे के लोड और उसमें किसी का ज़्यादा और किसी का कम ना हो दैट इज़ बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो उसके बेसिस के ऊपर हम वर्क स्टेशन को डिफरेंट टास्क असाइन करते हैं